श्रेयस तलपड़े हिंदी और मराठी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता हैं। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में कॉमेडी किरदार निभाए हैं। उन्होंने अपनी कॉमेडी से फैंस के दिलों में खास जगह बनाई है। उनकी कॉमिक टाइमिंग लोगों को काफी पसंद आती है। श्रेयस तलपड़े ने आज ही के दिन दीप्ति तलपड़े से शादी की थी। श्रेयस और दीप्ति की लव स्टोरी काफी फिल्मी है। दरअसल उनको कॉलेज के फेस्ट में बुलाया गया और वहाँ वह उसी कॉलेज की सेक्रेटरी को दिल दे बैठे थे। आज वही कॉलेज सेक्रेटरी श्रेयस की लाइफ की सेक्रेटरी यानी उनकी पत्नी है। श्रेयस के फैंस सब्सक्राइब जरूर करें। बात साल 2000 की है जब श्रेयस को कॉलेज के एक फेस्ट में बुलाया गया था। कॉलेज के उसी फेस्टिवल में दीप्ति सेक्रेटरी थी। श्रेयस ने दीप्ति को देखा और दोनों को पहली नजर में ही प्यार हो गया था। आंखें चार होने के चार दिन बाद ही श्रेयस ने दीप्ति को प्रपोज कर दिया था। दोनों ने काफी समय तक एक दूसरे को डेट किया और फिर साल 2004 में दोनों ने शादी कर ली। श्रेयस ने फिल्म इकबाल से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म को निर्देशक नागेश कुकनूर ने निर्देशित किया था। शूटिंग शुरू होने से 3 दिन पहले ही श्रेयस ने अपनी शादी के लिए छुट्टी मांगी थी। इस पर निर्देशक नागेश ने उसने कहा कि शादी कैंसिल कर दें। हालांकि तब तक कार्ड बन चुके थे। ऐसे में निर्देशक नागेश ने सोचा कि अपनी ये डेब्यू कर रहा है, ऐसे में दुनिया के सामने यह आना कि वह शादीशुदा है ये सामने आना सही नहीं रहता। श्रेयस ने डायरेक्टर को यकीन दिलाया कि वो शादी की बात किसी को नहीं बताएंगे। तब जाकर एक दिन की छुट्टी मिली। शादी के 14 साल बाद 4 मई 2018 में श्रेयस और दीप्ति सरोगेसी की मदद से बेटी आद्या के पेरेंट्स बने। इसी तरह की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।